हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर ग्रो मोर विद एपी। आज हम निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कि मार्केट हमें एक 12:30 के बाद एक अच्छी पोजीशन देगा, लेकिन उस मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट मॉर्निंग में ही गैप डाउन खुला, ऊपर की तरफ गया और बाद में वहीं पर साइडवेज रह के घूमता हुआ रहता है। देखिए, यहाँ पर आके फिर वो साइडवेज रह गया, उसने अपने को बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। जिसे हमने कल स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था कि हम 12:30 बजे के बाद हमें कौन पोजीशन लेंगे, वैसे हमारी पोजीशन बनी नहीं। तो कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कल के लिए हम क्या सोच रहे हैं? तो अभी जो मार्केट एक मोमेंटम कर रहा है वो एक ट्रेंड लाइन में कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक रेंज की तरफ देखिए, जैसा मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट यहाँ आता है सीधे इधर जाता है, सीधे यहाँ आया फिर इस रेंज में फंसा हुआ है। तो कल जो मैं ऑप्शन चेंज की स्टडी से हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर कल मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम रखना चाहता है तो उसे सबसे पहले मॉर्निंग में ही इस 18,100 के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, या तो फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के उसे 18,100 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके वो बुलिश मोमेंटम बरकरार रखेगा डेली के अंदर। वरना होगा क्या, अगर कल गलती से भी मार्केट अगर इस मोमेंटम में यहाँ पर रेड कैंडल के साथ खुल के और नीचे की तरफ आने लग गया, तो जैसे वो यहाँ पे आएगा उसका डब्ल्यू पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा, डब्ल्यू नहीं एम पैटर्न, तो उसमें वो नीचे की तरफ आएगा। और अगर गलती से उसने ये वाला लेवल 18,000 के नीचे ये वाले लेवल पर क्लोजिंग कर दी तो उसके पास डायरेक्ट सिर्फ ये गैप फिल करने के लिए बचेगा जो है 17,800 का। तो जो हम कल की स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं उसके मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको। कल मार्केट अगर 18,100 क्रॉस करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे जिसमें हम टारगेट करेंगे फिर 100 पॉइंट का और स्टॉप लॉस रखेंगे 50 पॉइंट का। और अगर कल मार्केट इसके नीचे प्लेट खुल के नीचे की तरफ आने लग जाती है तो अगर जैसे ही वो ये लेवल क्रॉस करती है, मान लो 18,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया, तो हम एक पुट पोजीशन पे लेंगे और इसमें हम सिर्फ स्टॉप लॉस रखेंगे 20 रुपये, 20 से 25 रुपये का, और टारगेट रखेंगे इसमें हम 75 रुपीज़ का। यहाँ हमारी क्वांटिटी 2 रहेगी और यहाँ हमारी क्वांटिटी 1 रहेगी, क्योंकि अभी भी ट्रेंड बुलिश की तरफ है, अभी भी हम बेरिश की तरफ नहीं हुए हैं मार्केट में। अगर कल का दिन नेगेटिव रहा तो फिर हमारा ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा बेरिश की तरफ,